आभार आप सभी का। और इस यज्ञ में जैसे कि हम सब ने थोड़ी थोड़ी आहुति दी है, तो आज इसी कड़ी में हमारे बीच इस यज्ञ में आहुति देने उपस्थित हैं इंदौर मध्य प्रदेश से श्रीमती आशा जाकड़ जी। ये सेवानिवृत्त अध्यापिका हैं और अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी परिषद जिला इंदौर से, और 10 साहित्यिक संस्थानों की कार्यकारिणी सदस्या और सचिव रह चुकी हैं। मैं इन्हें बशीर बद्र जी के एक शेर से यहाँ मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि राहों में आया गया कुछ पता नहीं, राहों में आया गया कुछ पता नहीं, उसको तलाश करते रहे जो मिला नहीं। मैं चुप रहा तो और गलतफहमियां बढ़ी, वो भी सुना उसने जो मैंने कहा नहीं, वो भी सुना उसने जो मैंने कहा नहीं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका मंच पर। क्या आप मुझे सुन पा रही हैं आशा जाकड़ जी? लगता है किसी तकनीकी समस्या की वजह से आशा जी हमसे जुड़ नहीं पा रही। आशा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हाँ हैं? हाँ हाँ जी जी, मैं आपको मैम, सुन पा रही हूँ। आपका मैम आपका कैमरा फिर से ऑफ हो गया है मैम। कैमरा अगर ऑन करती हूँ तो मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। ठीक है मैम, हाँ कोई जी प्रॉब्लम मैम, एक्चुअली आप काव्य पाठ करेंगी, ठीक है? आपकी आवाज बहुत क्लियरली हमारे तक पहुंच रही है, तो मैं आपका मंच पर स्वागत करती हूँ और जी आप अपना काव्य जी पाठ हमारे बीच प्रस्तुत करें मैम। जी 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 मैं प्रारंभ जी करती हूँ। स्वागत है मैम। जी बहुत बहुत स्वागत। आपका धन्यवाद। मेरा आपसे एक निवेदन रहेगा, क्योंकि इस स्ट्रीम की आप पहली कवयित्री हैं, तो कृपया माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां जरूर हाँ समर्पित हाँ करें। बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल, मैं जी मैम, माँ माँ शारदे के चरणों में कुछ पंक्तियां जी मैम अर्पित कर स्वागत। रही हूँ। जी मैम स्वागत है। जयति जय माँ सरस्वती, जयति जय माँ सरस्वती, निष दिन करते आरती, जयति जय माँ सरस्वती, धानी अंचल तेरा चमके, नित नित निरे कुंदन रे, धान तेरा चमके, नित नित निखरे कुंदन रे, मधुर स्वरों में वीणा तेरी, मधुर स्वरों में वीणा तेरी, करती नभ में गुंजन रे, हा बहुत खूब। मंगल अर्पित आरती, जयति जय माँ सरस्वती, निष दिन करते आरती, जयति जय माँ सरस्वती, ज्ञान दया की तुम हो जननी, दे दो हमको आशीष रे, ज्ञान दया की तुम हो जननी, दे दो हमको आशीष रे, सपनों की तुम हो रानी, सप्त सुरों की तुम हो रानी, करते हम सब अर्चन रे, हम सब गाए आरती, जयति जय माँ सरस्वती, निष दिन करते आरती, जयति जय माँ, जयति जय माँ, जयति जय माँ सरस्वती। वाह वाह, बहुत आवाज आ रही है आपको? शानदार, बहुत साफ आवाज आ रही है हाँ मैम। जी, इतनी मीठी आवाज आपकी, आप तक मेरी आवाज पहुंच चलिए रही है?
बहुत ही धन्यवाद खूबसूरत, मैं। बहुत ही खूबसूरत आपने हमारे बीच ये जी प्रस्तुति दी है मैम। बहुत बहुत आभार, अभिनंदन करती हूँ मैं आपका। और जी हमारे साथ बहुत सारे दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं, अनामिका चक्रवर्ती जी, नीलम आर्या जी, नीलू मेहरा जी, पारुल मित्तल जी अग्रवाल, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। और मैम क्योंकि आपके नेटवर्क में थोड़ी टेक्निकल इश्यू है और आपका कैमरा ऑन नहीं हो पा रहा है, इसलिए मैं आपका दोबारा से स्वागत करती हूँ। आप अपना काव्य पाठ हमारे बीच रखें। जी जी स्वागत। जैसा कि सभी को मालूम है, कल हमारा हिंदी दिवस है जी मैम, और हिंदी हमारी मातृभाषा है। सभी चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने, लेकिन कुछ साउथ दक्षिण में कुछ लोगों के विरोधों के बाद जो है हमारी हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन रही है। तो मैं उस जी हिंदी अपनी मातृभाषा के लिए कुछ पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी भाषा में पूरा दोस्तान। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी भाषा में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी है सरल, हिंदी हमारी है सहज, हिंदी हमारी है सरल, हिंदी हमारी है सहज, हिंदी हमारी भाषा तो, हिंदी हमारी भाषा तो सब भाषाओं में विरल। हिंदी हमारी शान है, वाह हिंदी हमारी जान है, हिंदी वाह हमारी है अनमोल, जिसका न कोई तोल मोल। हिंदी हमारी है जिसका न कोई है मोल, हिंदी हमारी भाषा को, हिंदी हमारी भाषा को तोल मोल के बोल। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी में ही खूब मैम। प्रेम है, हिंदी में ही करुणा है, हिंदी में ही प्रेम है, हिंदी में ही करुणा है, हिंदी हमारी भाषा में, हिंदी हमारी भाषा में भावों की संप्रेषणा है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी वाह हमारी भाषा में, हिंदी भाषा में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी बहुत खूब में ही मैम, एकता है, हिंदी में ही एकता है, हिंदी में ही समता है, हिंदी हमारी भाषा में, हिंदी हमारी भाषा में जीवन की समरसता है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी में ही प्यार है, हिंदी में दुलार है, हिंदी में ही प्यार है, हिंदी में दुलार है, हिंदी हमारी भाषा में, हिंदी हमारी भाषा में ममता का संसार है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी में ही अपनत्व है, हिंदी में ही ममत्व है, हिंदी में ही अपनत्व है, हिंदी में ही ममत्व है, हिंदी हमारी भाषा का, हिंदी हमारी भाषा का भाषाओं पर प्रभुत्व है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है। आगे देखिए, हिंदी हाँ में जी ही स्वागत है। राम है, हिंदी में ही श्याम है, हिंदी वाह में ही राम है, हिंदी में ही श्याम है, हिंदी हमारी भाषा में, हिंदी हमारी भाषा में शिव शंकर भगवान है। हिंदी वाह वाह हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी आन है, हिंदी हमारा मान है, हिंदी हमारी भाषा में, हिंदी हमारी भाषा में भारत का सम्मान है। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी जान है, हिंदी हमारी भाषा में, हिंदी हमारी भाषा में पूरा हिंदुस्तान है। हिंदी हमारी शान है, बहुत हिंदी हमारी जान है। बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बड़े ध्यान से मेरी मैम, कविता को सुना। बहुत खूबसूरत आपने लिखा। एक ही कविता में आपने अब हिंदी की मेरी अगली पूरी कविता है, महत्वता हमें बता दी। धरा जी पर शांति का
अपना परचम लहराना है। आवाज आ रही है शिल्पा जी? मैम मेरी आवाज आप तक आ रही है कि नहीं आ रही है मैम? हेलो मैम, आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? शायद आशा जी मुझे सुन हेलो। नहीं पा रही हैं। हाँ हाँ शिल्पा जी, जी, मुझे आपको आपकी मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी वही आपके नेटवर्क में ग्लिच है मैम, आप पढ़िए। आशा जी क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? आशा जी आप पढ़िए, आशा जी आप पढ़िए। सर वो हमें सुन नहीं पा रही हैं क्योंकि उनके नेटवर्क में ग्लिच है। मैम आप पढ़िए। आज मैं दर्शकों से क्षमा चाहती हूँ, हमारी जो कवयित्री हमसे जुड़ी हुई हैं आशा जाकर जी, उनके यहाँ पर कोई टेक्निकल इश्यू है, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उनका कैमरा भी वो ऑन नहीं कर पा रही हैं, शायद कोई नेटवर्क इश्यू है। और शिल्पा मैं जी आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैम आपका नेटवर्क इश्यू है, मेरी आप आपकी बोलिए। आवाज, आपकी आप आवाज क्या हमें आ आ रही रही हो? है, आप ठीक है पढ़ो। ठीक है, आप पढ़िए अब मेरी अगली कविता है। ओके ओके, जी। मेरी अगली कविता है, हमें धरा पर शांति का अपना परचम लहराना है। स्वागत। हमें धरा पर शांति का, हमें धरा पर शांति का अपना परचम लहराना है। स्वार्थ को दूर भगा, इसको स्वर्ग बनाना है। वाह, स्वार्थ को दूर भगा, इसको स्वर्ग बनाना है। खून के रिश्ते सिसक रहे, रिश्तों में आ गई दरार। खून के रिश्ते सिसक रहे, रिश्तों में आ गई दरार। पावनता सब नष्ट हो गई, जीवन में हो रही टकरार। ईर्ष्या वाह द्वेष छोड़कर, ईर्ष्या द्वेष छोड़कर प्रेम की ज्योत जलाना है। स्वार्थ को दूर भगा, इसको स्वर्ग बनाना है। हमें धरा पर शांति का, हमें धरा पर शांति का अपना परचम लहराना है। स्वार्थ को दूर भगा, इसको स्वर्ग बनाना है। नदियों का पावन देश हमारा, मंत्रोच्चार का देश हमारा। नदियों का पावन देश हमारा, मंत्रोच्चार का देश हमारा। आधुनिकता की अंधी दौड़ में, शायद फिर से आशा जी का हमें नेटवर्क। धरा पर शांति का, हमें धरा पर शांति का अपना परचम लहराना है। स्वार्थ को दूर भगा, इसको स्वर्ग बनाना है। व्यर्थ की भागम भाग दौड़ में, जीवन हो सुख सुविधाओं की चाहत में, नहीं किसी के मन को सुकून। भेदभाव को छोड़ छाड़ कर, भेदभाव को छोड़ छाड़ कर एकता का पाठ पढ़ाना है। स्वार्थ को दूर भगा, इसको स्वर्ग बनाना है। स्वार्थ को दूर भगा, इसको स्वर्ग बनाना है। वाह अंतिम है, सब भूल रहे स्वागत। धर्म कर्म सब भूल रहे, ऊंचा बनने की चाहत में, अपने अपनों को लूट रहे। ऊंचा बनने की चाह में, अपने
अपनों को लूट रहे नफरत मैं दर्शक दीर्घा में जुड़े लोगों से क्षमा चाहूंगी और मैं स्वागत करती हूं ममता लड़ीवाल जी का, पूनम शर्मा जी का, प्रदीप भट्टाचार्य जी का, त्रिलोक मोहन पुरोहित जी का और नीलम आर्या जी का। आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस प्रस्तुति को आप अभिनंदन से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का। और क्योंकि आशा जाखड़ जी के नेटवर्क में थोड़ी सी इश्यू है, शायद वो हमसे दोबारा जुड़ें, तब तक आपके बीच मैं एक मुक्तक रखती हूँ, आपको एक मुक्तक से जोड़ती हूँ, आप लोग मुझसे जुड़े रहिए इस कार्यक्रम में। अभी आगे हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे कवि और कवयित्री जुड़ेंगे, हालांकि शायद आशा जी भी फिर से जुड़े, उनके यहाँ थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू है। और मैं को एक मुक्तक से जोड़ती हूँ, सुनिए का। यूं खुद को खाक करके भी कभी मैं रो, आशा जी हमारे बीच फिर से उपस्थित हैं। हाँ जी, स्वागत है मैम आपका दोबारा। आज नेट बहुत तंग कर रहा है। हाँ जी मैम, कोई बात नहीं, होता है मैम कभी कभी। जी स्वागत है मैम। हाँ, अब मैं आपके समक्ष उपस्थित कर रही हूँ गीता का सार। गीता जी, हमारे स्वागत। गीता का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, तो गीता के कुछ मैं संक्षेप में आपको सार सुना रही हूँ। जी स्वागत है। गीता ज्ञान की ज्योति है, गीता ज्ञान की ज्योत है, गीता जीवन का सार, जन्म मरण को निश्चित है, छोड़ो क्रोध अहंकार, जन्म मरण तो निश्चित है, छोड़ो क्रोध अहंकार, कर्म करो फल की चाह नहीं, कर्म करो फल की चाह नहीं, यही तो है गीता का सार, कर्म करना है धर्म हमारा, अकर्म नहीं अधिकार, ओ भैया अकर्म नहीं अधिकार। जब भी होवे धर्म की हानि, जब भी होवे धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि, तब कृष्ण धरती पर आते, करते धर्म की उत्पत्ति, तब तब कृष्ण धरती पर आते, करते धर्म की उत्पत्ति। अच्छा है मैं, बहुत सुंदर, धन्यवाद। सज्जनों के उद्धार हेतु पापियों का नाश चाहिए, सज्जनों के उद्धार हेतु पापियों का नाश चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण अब प्रकट होना चाहिए, धर्म की स्थापना के लिए कृष्ण अब प्रकट होना चाहिए। जो ईर्षा द्वेष ना करता, ना किसी की आकांक्षा, जो मन में ईर्षा द्वेष ना करता, ना किसी की आकांक्षा, वही कर्मयोगी सन्यासी है, जो जगबंधन मुक्त रहता, वो भैया वो जगबंधन मुक्त रहता। आगे देखिए, जन्म मिला है मानव का तो मरण भी निश्चित है, जन्म मिला है मानव का तो मरण भी निश्चित है, अच्छे कर्म धर्म करो, मनुष्य ही श्रेष्ठ जीवन है, अच्छे कर्म धर्म करो, मनुष्य ही श्रेष्ठ जीवन है। बहुत सही काम है। कर्म क्षेत्र का ज्ञान देती गीता जीवन का आधार, कर्म क्षेत्र का ज्ञान देती गीता जीवन का आधार, जीवन मूल्यों से परिपूर्ण गीता है ज्ञान का भंडार, गीता है ज्ञान का भंडार। अंतिम है, जीवन तो ये नश्वर है और आत्मा अमर, जीवन तो ये नश्वर है और आत्मा अमर, निस्वार्थ भाव सेवा करो, जीवन हो जाएगा तर, निस्वार्थ भाव सेवा करो,
जीवन हो जाएगा तर। बहुत बहुत धन्यवाद शिल्पा बहुत जी, खूब मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा शानदार, आपने। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आप पढ़ रही हैं और बहुत ही शानदार। अगर नेटवर्क ग्लिच नहीं होता मैम तो हम आपने जो पहले जो रचना पढ़ी उसकी कुछ पंक्तियां हमसे मिस हो गई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आप पढ़ रही हैं, बहुत शानदार, बहुत बधाई देती हूँ मैं आपको और जी स्वागत है मैम जी धन्यवाद। जी। हमारे बीच बहुत सारे लोग उपस्थित हैं, प्रदीप भट्टाचार्य जी, ममता लड़ीवाल जी, त्रिलोकी मोहन पुरोहित जी, नीलम आर्या जी, डॉक्टर पुष्पलता भट्ट जी, रश्मि पांडे जी, और वो सभी आपकी कविता आपकी कविताओं की प्रशंसा कर रहे हैं। बहुत बहुत सभी आपको सुंदर सुंदर कमेंट्स मिले हैं मैम। जी, और बहुत बहुत जी आभार सभी का, बहुत जी बहुत तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन थोड़ा जी नेटवर्क की कमी हाँ से जो जी है थोड़ा ठीक से जी नहीं हो पा रहा है। कोई बात नहीं मैम, अब स्वागत है मैं, मैम। हाँ, गजानन जी पर मैं अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। स्वागत है मैम। गजानन आना बारंबार, गजानन लाना खुशियां अपार। गजानन आना बारंबार, गजानन लाना खुशियां अपार। विघ्नों की हरता हो, कष्टों की हरता हो तुम मंगलदायक। विघ्नों की हरता हो, कष्टों की हरता हो तुम मंगलदायक। प्रथम पूज्य हो शंकर नंदन, हो तुम सिद्धि विनायक। तुमसे ही वाह समृद्धि आवे, तुमसे ही समृद्धि आवे, सुख शांति का भंडार। गजानन आना बारंबार, लाना आहा, खुशियां हमें अपार। बहुत खूब, धन्यवाद। अज्ञान का छाया है अंधेरा, कर सकते हो तुम ही उजेरा। अज्ञान का छाया है अंधेरा, कर सकते हो तुम ही उजेरा। विपदाओं का लगा है डेरा, करुणा ने कैसा रूप घनेरा। करुणा से सब त्रस्त हुए हैं, करुणा से सब त्रस्त हुए हैं, संकट कर दो निवार। गजानन आना बारंबार, गजानन लाना खुशियां अपार। गजानन आना बारंबार, गजानन लाना खुशियां अपार। काम शुरू करते हम पहले, नाम तुम्हारा लेते हैं। काम खूब शुरू करते हैं पहले, नाम तुम्हारा लेते हैं। वंदन करते, अर्चन करते और आरती करते हैं। मोदक भोग लगाए गजानन, मोदक भोग लगाए गजानन, आशीषों की बौछार। गजानन आना बारंबार, वाह गजानन लाना खुशियां अपार। गजानन आना बारंबार, गजानन लाना खुशियां अपार। अंतिम है, स्वागत है। इंद्रदेव नाराज हो गए, ऐसी तबाही मची है। मुंबई में, दिल्ली में बहुत पानी आता है। जी इंद्रदेव नाराज हो गए, ऐसी तबाही मची है। गांव नगर सब डूब रहे हैं, हाहाकार मची है। अब तो गणपति सुन लो प्रार्थना, अब तो गणपति सुन लो प्रार्थना, रोको जल की धार। गजानन हाँ आना बारंबार, वाह लाना हमको खुशियां अपार। गजानन हाँ, गजानन आना बारंबार, लाना खुशियां सबको अपार। धन्यवाद। वाह मैम, बहुत सुंदर, उत्कृष्ट भाव मैम। और अभी की लिखी हुई रचना है आपकी बहुत खूबसूरत, क्योंकि आपने अभी जो दिल्ली और मुंबई की बारिश की बात आपने इसमें की है तो बहुत ही अभी नई रचना है, बहुत जी, बहुत सुंदर अभी रचना मैम अभी अभी मेरी पुस्तक अभी नई आई है, जी मैम। दास्ताने कोरोना। ये मैंने कोरोना पर ही, इसमें सारी कविताएं हैं, 101 कविताएं हैं कोरोना के ऊपर इस अच्छा मैम पुस्तक। जी जी जी, जी दास्ताने बहुत कोरोना बहुत इसमें बहुत बधाई छठवीं मैम आपको। पुस्तक है।
जी बहुत और बधाई। मैं मनीषा आपको, व्यास जी हमसे जुड़ी हैं, आपको प्रणाम कह जी रही हैं। हाँ जी जी हाँ, और मेरी जी फ्रेंड है, उन्होंने जी ही मुझे यहाँ बताया था। अब मैं आपको कोरोना स्वागत पर, है अगर हाँ कोरोना पर अगर आप कहें तो मैं एक कविता सुनाऊं कोरोना पर, ब्रज भाषा में हाँ स्वागत है मैम, स्वागत। है। करोना के तैसे आए गयो रे, तूने ले ली सबकी जान। करोना हाँ हाँ करोना के तैसे आए गयो रे, तूने ले ली सबकी जान। ना काऊ से मिल सकत है, ना काऊ घर जाए सकत है। ना काऊ से मिल सकत है, ना काऊ घर जाए सकत है। ऑनलाइन से आए रयो रे, ऑनलाइन से आए रयो रे, घर को सब सामान। करोना के तैसे आए गयो रे, तूने ले ली सबकी जान। वाह आकाश पक्षी उड़ रयो है, जानवर सड़कन पर दौड़ रयो है। आकाश में पक्षी उड़ रयो है, जानवर सड़कन पर दौड़ रयो है। शुद्ध हवा को तरस गयो रे, शुद्ध हवा को तरस गयो रे, मूर्ख मनुष्य नादान। करोना दान तैसे आए गयो रे, तूने आहा ले ली सबकी जान। सबकी बच्चन की मुश्किल आए गई, ऑनलाइन बैठे करे हैं पढ़ाई। बच्चन की मुश्किल आए गई, ऑनलाइन बैठे करे हैं पढ़ाई। नन्हे हाथन में थमाए दे रे, नन्हे हाथन में थमाए दे रे, अब मोबाइल तान। करोना हाँ कैसे आए गयो रे, तूने ले ली सबकी जान। सबकी जान। चौपाल बैठक बंद कराए दे, मेले ठेले सूने कराए दे। चौपाल बैठक बंद कराए दे, मेले ठेले सूने कराए दे। घर पे बैठे हैं सब सिगरे, घर पर बैठे हैं सब सिगरे, लेके चुप्पी तान। वाह करोना के तैसे आए गयो रे, तूने ले ली सबकी जान। डॉक्टर्स ने डॉक्टर नर्स सेवा कर रहे, पुलिस भी मानव सेवा कर रहे। डॉक्टर नर्स सेवा कर रहे, पुलिस भी मानव सेवा कर रहे। पर तू तो ऐसो आयो रे करोना, पर तू तो ऐसो आयो रे करोना, ना जावे की लई है ठान। अभी तक नहीं गया है ना करोना, ना जावे की लई है ठान। करोना के तैसे आए गयो रे, तूने ले ली सबकी जान। अंतिम है, नौकर चाकर तूने भगाए दे, हाथन झाड़ू पोछा थमाए दे। नौकर चाकर तूने भगाए दे, हाथन झाड़ू पोछा थमाए दे। घर का रज में झोंक दे रे, घर का रज में झोंक दे रे, तूने सबके प्राण। करोना हा हा करोना के तैसे आए गयो रे, तूने ले ली सबकी जान। धन्यवाद। सॉरी मैम, माफी चाहती हूँ, मेरा माइक थोड़ा सा क्लिच हो गया था। बहुत बहुत खूबसूरत मैम, बहुत शानदार रचना आपने जी प्रस्तुत जी जी की। और ये धन्यवाद। जो ब्रज भाषा की जो मिठास है ना मैम, इसमें जी जी लोग बहुत सारी कॉमेडी वाली वो सब लिखते हैं। तो जैसे जी आपने भी कोरोना को थोड़ी हंसी मजाक वाली बात में कहा कि तू जी कहाँ से आ गया और हम सबकी लाइफ में पूरा मतलब उथल पुथल मचा के रखी हाँ है, हर जी जी चीज जी बंद हो बिल्कुल गई है। बिल्कुल बहुत जी। सुंदर मैम आपने लिखा है। वैसे ब्रज एक्चुअली भाषा मैं, हाँ मैं जी यूपी की हूँ, मैं जी मतलब आगरा के पास शिकोहाबाद की हूँ। तो हमारे जी वहाँ जी ये जी भाषा अक्सर जो घर में बोलते हैं, जी जी ब्रज जी जी भाषा। जी स्वागत है मैम आपका। आपके पास अभी थोड़ा समय है, आप एक और रचना हमारे बीच रख हाँ सकते हाँ हैं। बिल्कुल 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 सुना जी सकते हैं। जी
तब तक मैं दर्शक दीर्घा में जुड़े लोगों का स्वागत कर लेती हूँ। आप सभी बिल्कुल को बिल्कुल मैं आभार व्यक्त करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आप पहले ही दिन से आप सभी एक स्तंभ बन के हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े रहे, क्योंकि बिना आपके, बिना दर्शकों के हमारे कार्यक्रम की सफलता के मानक नहीं बैठते। आप सभी का अभिनंदन, स्वागत। मनीषा व्यास, अनीता भानावत जी, ममता लड़ीवाल जी, प्रदीप भट्टाचार्य जी और बाकी जितने भी नाम ऊपर कमेंट के साथ चले गए, मैं उन सबका अभिवादन और स्वागत अभिनंदन करती हूँ। स्वागत है मैम, आप पढ़ें। जी। हाँ, अगली रचना है मेरी उज्जैन के ऊपर। जी उज्जैन हमारा तीर्थ स्थान है, हाँ इंदौर के जी पास ही है। जी और जी उज्जैन पे मैंने पूरी पुस्तक, हाँ, तो ये है देवों की नगरी चले। हाँ जी आओ साथ चले, सब मिलके चले, देवों की नगरी चले। उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी, देवों की नगरी चले, देवों की नगरी चले। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, वहां दर्शन करने आते। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, जहां दर्शन करने आते। जो मन में इच्छा होती वो मन्नत करके जाते, जो मन में इच्छा होती वो मन्नत करके जाते। पूजन करते अभिषेक करते, पूजन करते अभिषेक करते, बाधाओं से मुक्ति मिले। उज्जैन आहा, नगरी, अवंतिका नगरी, देवों की नगरी चले, देवों वाह, की नगरी चले। आओ साथ चले, सब मिलके चले, देवों की नगरी चले। जी उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी, देवों की नगरी चले। वाह मैम, बहुत उज्जैन बहुत है ऐसी नगरी जहाँ कुंभ का मेला लगता। उज्जैन है ऐसी नगरी जहाँ कुंभ का मेला लगता। भारत के लोग यहाँ आते, जप तप का डेरा लगता। भारत के लोग यहाँ आते, जप तप का डेरा लगता। पांडाल सजते हवन यज्ञ होते, पांडाल सजते हवन यज्ञ होते, बाबाओं की धूम मचे। उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी, देवों की नगरी चले, देवों की नगरी चले। उज्जैन वाह, है तीर्थ नगरी जहाँ पुण्य कमाने आते। उज्जैन है तीर्थ नगरी जहाँ पुण्य कमाने आते। क्षिप्रा में स्नान करके पापों से उद्धार पाते। क्षिप्रा में स्नान करके पापों से उद्धार पाते। है सुंदर नगरी पावन नगरी, है सुंदर नगरी पावन नगरी, जहाँ जीवन मोक्ष मिले। उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी, देवों की नगरी चले, देवों की नगरी चले। आओ साथ चले, सब मिलके चले, देवों की नगरी चले। उज्जैन नगरी, अवंतिका नगरी, देवों की नगरी चले, देवों की नगरी चले, देवों बहुत खूब मैम, बहुत की नगरी चले। धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत चलिए शानदार। चलिए, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, टाइम हो गया कि एक आध और पढ़ दूं। समय हो गया नहीं तो मेरे, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ मैम, आप पढ़िए मैम, आपके पास अभी 5 मिनट का पढ़िए। समय है। हाँ जी, एक रचना और पढ़ हाँ, दीजिए ठीक है। मनु,
ए मनु, इस बीच हमारे बीच गिरेंद्र सिंह भदौरिया प्राण जी जुड़ गए हैं, क्या कहने आदरणीय। वाह वाह वाह, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका, बहुत अभिनंदन कि आप हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं। गोविंद गुप्ता जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। हमारे साथ इंदौर मध्य प्रदेश से आशा जाकर जी जुड़ी हुई हैं और बहुत ही शानदार सुंदर प्रस्तुति ये दे रही हैं। हालांकि मैम का नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है, पर फिर भी बहुत ही अच्छा काव्य पाठ यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है। और आशा जी, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ जी, हाँ आवाज हाँ जी, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आप पढ़ें। ओके ओके। तो अब मैं इंदौर इंदौर नगरी की जो हमारी देवी हैं अहिल्या जी माता, जी मैं उनको एक कविता समर्पित कर रही हूँ। स्वागत है मैम, स्वागत है। तुम दुर्गा का अवतार की निर्मल, इस पर डबल डबल आवाज आ रही है। तुम मैम आपकी आवाज बाहर सिंगल ही आ रही है मैम, आप पढ़ें अच्छा, जी। तुम दुर्गा का अवतार की निर्मल मन संसार, तुम दुर्गा का अवतार की निर्मल मन संसार, माता अहिल्या की नगरी दान की नगरी कहानी, माता अहिल्या तेरी नगरी दान की नगरी कहानी, दुखी दर्द की जोड़ी आते सबका दुख निबटाती, हाँ दुखी दर्द की जोड़ी आते सबका दुख निबटाती, तू वाह, गाने की अनुपम भंडार की निर्मल मन संसार, तुम दुर्गा का अवतार की निर्मल मन संसार, धर्म कर्म की परम उपासक शिव में ध्यान लगाया, धर्म कर्म की परम उपासक शिव में ध्यान लगाया, निज प्रजा की सच्ची सेवक जनहित को माते लगाया, अपनी प्रजा की सच्ची सेवक जनहित को माथे लगाया, तुम करुणा की भंडार की निर्मल मन संसार, तुम करुणा की भंडार की निर्मल मन संसार, तुम दुर्गा का अवतार की निर्मल मन संसार, कुशल प्रकाशक कुशल संग ब्राह्मणों का रखती मान, कुशल प्रशासक कुशल संकट ब्राह्मणों का रखती मान, सादगी की तुम सरल मूर्ति विद्वानों की सम्मान, सादगी की सरल मूर्ति विद्वानों की सम्मान, दुनिया की सच्ची पुकार की निर्मल मन संसार, दुनिया की सच्ची पुकार की निर्मल मन संसार, तुम बहुत सुंदर। दुर्गा का अवतार की निर्मल मन संसार, तुम बहुत सुंदर। दुर्गा का अवतार की निर्मल मन संसार। बहुत बहुत शानदार मैम, बहुत खूब, बहुत सुंदर रचनाएं आपने हमारे बीच प्रस्तुत की है, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आपके नेटवर्क में इतनी प्रॉब्लम थी, इतनी दिक्कत थी, फिर भी आपने ये प्रस्तुति अपने पूरे मन और हृदय से दी, और आपकी ये बातें हमारे हृदय तक पहुंची भी और दर्शकों तक भी पहुंची, क्योंकि दर्शक दीर्घा में सभी लोगों ने आपको बहुत सुंदर कमेंट्स दिए हैं। गिरेंद्र सिंह भदौरिया जी कह रहे हैं क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत ही सुंदर सुंदर कमेंट्स आपके लिए मैम, और बहुत सुंदर रचनाएं आपने हमारे बीच रखी, आपका मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ, और आपको आपका बहुत अभिनंदन करती हूँ इस यज्ञ में, आपकी इस आहुति को मैं शत शत नमन करती हूँ। बहुत बहुत आभार मैम एक बार फिर आपका, और आशा जागर जी अब मैं आपसे विदा लेती हूँ जी, आपका कि बहुत इस बहुत यज्ञ धन्यवाद शिल्पा जी, आपने इतना
हाँ आपने इतना शब्द दिया और आपने मुझे इतना ध्यान से सुना, मेरा हृदय बहुत पुलकित हो गया कि आप मेरे कविताओं को बड़े ध्यान से सुना, और जो आपके साथ में सभी का अपने दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे भी कभी मिलेंगे, और मैं कोशिश करूंगी आप मुझे अपना पता दीजिए तो मैं अपनी पुस्तक आपके पास भेजने की पूरी कोशिश करूंगी। जी मैम जरूर जरूर धन्यवाद मैम कृपा जी, जी बहुत बहुत जी धन्यवाद। ओके। जी जी मैम, बहुत बहुत आभार आपका।